हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्ण। तो देखिए बच्चों, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए यहां पे, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जेई मेंस, जेई एडवांस के अंदर जो भी लास्ट ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के केमिस्ट्री के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। ठीक, तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 1 से। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेकर चल रहा हूँ। इसी तरीके से बच्चों, हम लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके 40 से 45 ईयर्स के अंदर आ चुके हैं, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो किसी बच्चे को अगर यहाँ तक परेशानी हो तो आप लोग बता देना कि हम इस वाली सीरीज को कंटिन्यू करें या नहीं करें। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको बच्चों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अभी बच्चों हम केवल क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केवल डिस्कस करेंगे सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो है और फिल इन द ब्लैंक्स जो है। ठीक है, फिर जे एडवांस वाले टाइम पे जब हमको टाइम बाद में मिलेगा तो तब हम उस टाइम पे बच्चों कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो गिवन है। ठीक, तो देखिए सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन गिवन है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, आपसे पूछा गया, आपको बच्चों आंसर देते चलना है। ठीक है, साथ साथ में अपनी आप लोग कॉपी पेन एक बार साथ में लेके बैठना। आपको पूछा जा रहा है द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन, कि जो मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर कि कार्बन 12 के ऊपर बेस्ड रहती है मॉडर्न। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, कार्बन 12 के ऊपर। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अब आपको याद रख लीजिए किसके ऊपर बेस्ड रहेगी बच्चों, कार्बन 12 के ऊपर आपकी ये बेस्ड रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 18 मिलीलीटर वाटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो आप लोग अपना आंसर निकाल लीजिए पहले, कितना आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है उसका मैं आपको बताऊंगा। आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका बच्चों यहाँ पर कितना बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 18 मिलीलीटर वाटर में, बात ये की जा रही है। ठीक, तो देखिए आपको क्या निकालने हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, आपको मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो देखो एक मोल अगर यहाँ पे 80 मिलीलीटर वाटर की बात की जा रही है तो एक मोल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये चीज आपको पता है नहीं पता है कि एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं पता। तो देखिए अब मैं पहले इस चीज़ को समझ लूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी ये चीज़ समझनी है। ठीक, देखिए बच्चों मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि हम बात किसकी कर रहे थे बच्चों, 80 मिलीलीटर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो 80 मिलीलीटर का मतलब बच्चों मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 80 मिलीलीटर के अंदर तो आपका पानी भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 18 ग्राम पानी हो जाएगा। इतना हम बोल सकते हैं कि 18 ग्राम क्या हो गया बच्चों, आपके पास पानी हो गया। ठीक है, जब बच्चों 18 ग्राम पानी हो गया तो बच्चों यहाँ से मोल्स कितने निकल के आ जाएंगे बच्चों इसके, तो मोल निकालोगे बच्चों तो कितने निकाल दोगे, यहाँ पर जब आप मोल निकालोगे तो इसके मोल निकालने के लिए इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 18। तो 18 मोलिकुलर मास मोल टोटल निकालेंगे जब H2O फॉर्मूला का, तो कितना आएगा 18, तो कितने मोल आ गया बच्चों, एक मोल निकल के आ गया आप लोगों के, बस कितना निकल के आया, एक मोल निकल के आया। ठीक है, अब एक मोल के अंदर बच्चों आप लोगों को पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो एक मोल के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, अब आप लोग देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए ये यहाँ पर, ठीक आप लोगों को अब दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक, देखो 80 मिलीलीटर H2O था आप लोगों के पास, यहाँ पर किस में कितना हो गया, इसको मैंने 80 ग्राम पानी मान लिया, डेंसिटी क्योंकि 1 होती है तो 1 मोल के अंदर बच्चों अब कितना हो गया, एक मोल हो गया। तो एक मोल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ये बात ये की जा रही है। तो देखो H2O है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन के अंदर 8 और 2 हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए बच्चों मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 × एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10³, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों आपका आंसर कितना निकल गया, 6.02 × 10³ आपके पास आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या बात की जा रही है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है भाई कि 3 ग्राम सॉल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 30 का, आपके पास 3 ग्राम सॉल्ट है, इसको हम डिजोल्व कर रहे हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं बच्चों, 250 ग्राम वाटर के अंदर। तो आपको बोला जा रहा है भाई कि आपको निकालना है मोलरिटी। अब आप बच्चों को पता होना चाहिए मोलरिटी होती क्या है, मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी बात हो रही है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास किसके में होता है बच्चों, सॉल्वेंट का, केजी के अंदर होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर लोगे बच्चों, मोलरिटी निकाल लोगे। तो यहाँ पर जब मोलरिटी निकालोगे तो बच्चों किस तरीके से निकालनी है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। देखो यहाँ पे बच्चों मोल्स कितने निकालोगे, उसके मोल निकालने के उसको मास आपको कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3 गिवन है, 3/30 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे बच्चों मास कितना गिवन है आपको,
थ्री ग्राम के बने, मोल क्यूब भी 30 के बने, तो 3.30 बच्चों मोल्स हो गए, और 250 ग्राम वाटर के बने, तो वाटर को उसमें केजी में चेंज करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 250/1000 कर दिया, तो बच्चों सॉल्व किया आंसर कितना आ गया, 0.4 मोलल निकल के आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि भाई ये बता दो तुम तो कि जो वेट होगा इसके अंदर 1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2 के अंदर कितना क्या हो जाएगा बच्चों, वेट कितना होगा। ठीक है, इसके बारे में आपसे बात की जा रही है। तो देखिए कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर बात की जा रही है आपसे, वो चीज़ समझ लो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे आपसे बात की जा रही है भाई 1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप लोगों को सब बच्चों को पता होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर बच्चों कितने हो जाते हैं, आपके पास 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब बच्चों को ये चीज़ पता है। ठीक है, जब आप सब बच्चों को ये चीज़ पता है, देखिए जब सब बच्चों को पता है वन मोल के अंदर 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आपको क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने के बने एक बार देख लीजिए, मॉलिक्यूल्स के बने आपको 1 × 10^22। ठीक, तो यहाँ पे अब आपको निकालने कितने से, 1 × 10^22 मॉलिक्यूल से। तो इस तरीके समझो, अगर आपको 5 रुपये में एक केला आता है तो 10 रुपये में कितने केले आएंगे बच्चे, 2 केले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जब 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स में कितना होता है, केवल एक मोल होता है, तो 1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, तो बच्चों आपके पास इतने क्या आ गए, ये आ गए बच्चों मोल्स। ये कितने आ गए, ये हुई बच्चों मोल्स। तो बच्चों ये मोल्स हो गए आप लोगों के, बस इसमें बच्चों आपने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास वेट निकल के आ जाएगा, भाई इतना क्या हो गया आपके लिए, वेट निकल के आ गया। तो ये आपके पास वेट कितना आ गया, 4.14 ग्राम क्या निकल के आ गया यहाँ पे, वेट देखने को मिल गया। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या निकाले बच्चों, मोल्स निकाले। सबसे पहले क्या निकाले बच्चों अपन ने, मोल्स निकाले। मोल्स कितने हुए, ये देखो आपके पास ये हुए टोटल निकाल के मोल्स। ठीक है, ये क्या हुए बच्चों, मोल्स हुए, क्योंकि 1 × 10^22 आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, 6.02 × 10^23 एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिवाइड कर दिया और आपने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों क्या आ गया आप लोगों के पास, ये निकल के आ गए, इतना ग्राम निकल के आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। बस अपन कंपाउंड ऑफ बाई BA2Cu3O7 विच सो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, जहाँ पे कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपको बताना है। अज्यूम दैट रेयर अर्थ मेटल येट्रियम इन इट्स यूजल प्रस्थी, और आपको बोला गया येट्रियम कौन सी स्टेट में बच्चों, प्रस्थी स्टेट में। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो बच्चों इसके जो एटॉमिक जो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बच्चों कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए निकाल लेते हैं भाई किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना था, वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको, ये तो मैंने पहले चीज़ बताई दी है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का बच्चों सब निकालोगे तो क्या निकल के आना चाहिए, आपका 0 निकल के आना चाहिए। तो वही अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वही मतलब अपनी टिप्स लगाएंगे। तो देखो हिट्रीम का प्लस 3 की मैंने क्वेश्चन के अंदर प्लस 3 लिख लिया मैंने, फिर उसके बाद क्या हुआ, बेरियम का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो का मल्टीप्लाई कर लिए, कॉपर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स मान लिया। ठीक है, ऑक्सीजन के -2 हो गया, तो -7 और 0 के बराबर कर दिए। बच्चे इसको सॉल्व किए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई, +7/3। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का इसका हो जाएगा 7/3। तो बच्चों 5 क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों को बताने, 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक, और इससे अलग बच्चे सॉल्यूशन के लिए जो अगर मैं 12th class स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ पर पूरा लेक्चर सीरीज स्टार्टिंग से मिल जाएगा। कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो बच्चों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। ठीक है,